हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राजचेक। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और मूवी जो एक कनाडा सिनेमा से बिलोंग करती है। उस मूवी का नाम है गुल्टो। और ये मूवी के बारे में आप ही लोगों ने मुझे रिकमेंड करके कहा था, और मैं सच बता रहा हूँ, जब ये मैंने मूवी देखा तो मूवी जानने के बाद मेरे जो एक्सप्रेशन थे वो ऐसे थे कि मतलब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो आपको हंसी आएगी, और मैं वो करना नहीं चाहता। खैर, ये मूवी कैसी लगी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ये ब्लूटूथ क्यों पहनता हूं, तो मैं इसका कुछ एड विट नहीं कर रहा हूं, ये मैं एज अ माइक यूज करता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास माइक है नहीं, मैं मोबाइल से शूट करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। खैर, इस मूवी में हमें नजर आते न्यू कमर नवीन शंकर, सोनू गौड़ा, पवन कुमार सर और अविनाश सर। इसे डायरेक्ट किया है जनार्दन चिकन्ना ने। ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हैकिंग का कॉन्सेप्ट है, और साथ साथ यहाँ पर आपको इंटरनेट का यूज मिस यूज किस तरह से होता है, और साथ साथ इंटरनेट का एक बड़ी पोर्शन यानी कि डार्क वेब, उसके बारे में भी काफी अच्छे तरीके से इस मूवी में बताया। तो कुल मिला के ये मूवी जब आप देखोगे, इसका सेकंड आप देखोगे, तो आप कहीं से भी ये नहीं सोचोगे कि यार ये कनाडा सिनेमा की तरफ से ये फिल्म आई है, मतलब आके से फटेगी क्या है। जो ट्राई बॉलीवुड ने नहीं किया वो कनाडा सिनेमा ने किया 2018 में। और वाकई में ये मूवी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हालांकि फर्स्ट हाफ में काफी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत इरिटेट हो रहा था यार, मतलब मजा नहीं आ रहा था। लेकिन सेकंड हाफ ने मुझे पूरा दीवाना कर दिया, और मैं इतना बोल सकता हूं गुल्टो आपको जरूर देखना चाहिए। खैर, इस मूवी की कहानी बताता हूं। कहानी शुरू होती आलोक यानी कि नवीन शंकर से, जो कि हमें कॉलेज में नजर आते एज अ स्टूडेंट, और तभी वो हमें पहली टाइम हैकिंग करते हुए नजर आते एक कंटेस्ट को, जहां पर कुछ मूवी टिकट फ्री में मिलेगी। तो किस तरह से उसको हैक करते ये सब तो आप इस फिल्म में देखोगे। कहानी आगे बढ़ती है, और वो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो एक सीसीडी में जॉब करते, और साथ साथ एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी एज ए टीचर जॉब करते। लेकिन उनकी लाइफ में तभी एक लड़की आती है, जिस लड़की का नाम होता है पूजा। तो पूजा के आने के बाद उनकी लाइफ सब अच्छे से चल रही थी, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता। ट्विस्ट ये कि कुछ पुलिस वाले उनको पकड़ लेते एक साइबर क्राइम के लिए, यानी कि हैकिंग के लिए कुछ डेटा हैक हो जाता, तो उस वजह से इनको पकड़ लेते। अब आपको यही देखना पूरी फिल्म में कि क्या वाकई में इन्होंने डेटा को हैक किया था या किसी और ने किया है। ये सब कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताता हूं इस मूवी की अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है। तो इसकी अच्छी बात यह है कि जो ये कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से बताया, साथ साथ जो डार्क वेब के बारे में बताया है और इंटरनेट का यूज मिस यूज, और जो डेटा जिस तरीके से अगर आपका पर्सनल डेटा लीक हो जाए तो उस डेटा से क्या कुछ लोग कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ बहुत ही रिसर्च करके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है बहुत अच्छा है, नवीन शंकर एज आलोक, उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा, डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा। बस खराब लगा था उसका फर्स्ट हाफ में जो गाने थे, उस गाने से मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। गाने कुछ मतलब ही नहीं था, और कुछ ऐसे सीन्स थे जिसका भी इस मूवी से कोई मतलब नहीं था। दो घंटे के बजाय अगर ये मूवी सिर्फ डेढ़ घंटे की होती तो और भी अच्छा होता, और अगर इस मूवी पे और पैसा खर्चा होता और इसको अच्छी तरीके से शूट करता तो ये मूवी और निखर के आती। तो मेरे हिसाब से इतना बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है कनाडा सिनेमा की तरफ से, और इस मूवी को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस मूवी की पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आपको ये मूवी देखना था आप इसे एमएक्स प्लेयर पे जाके देख सकते हो, लेकिन ये आपको सिर्फ कनाडा लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, और इसका सबटाइटल भी नहीं है। तो ये बहुत ही बुरी बात है, स्पेशली हम जैसे हिंदी ऑडियंस के लिए जिनको इन ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लैंग्वेज समझ में आती है और सबटाइटल भी नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मेकर्स लोग में से कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो आने वाले कल में अगर इस फिल्म को कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डालते हो तो प्लीज विद इंग्लिश सबटाइटल डालना, क्योंकि ये फिल्म में आप लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत काबिले तारीफ है। तो ये फिल्म काफी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं हूँ राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। तो हम लोग मिले कल किसी नए वीडियो में, दुआ में रखना।